हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियरिंग क्लासेस। होप यू आर डूइंग गुड। सो जो आज हम डेली नॉलेज बूस्टर में अपना टॉपिक डाल रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशंस। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैंने सोचा एक बार इसको डिस्कस कर लिया जाए। यूनाइटेड नेशंस बना कब था, क्या इशू था और उसके कितनी एजेंसीज हैं स्पेशली। ठीक है, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री में ले जाता हूँ कि बेसिकली हमने क्या नोटिस किया था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन करके एक बॉडी बनाई थी। ठीक है, ये भी मल्टी कंट्री बॉडी थी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नेशंस थे इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका काम क्या था कि जो भी हमने वर्ल्ड वॉर के वन के बाद क्राइसिस देखे हैं, ऐसी क्राइसिस फिर ना हो। जैसे कि हमने देखा कितना डिसहार्मनी था, कितना मतलब इनह्यूमेन एक्टिविटीज़ हुई थी, तो हमने क्या देखा कि ऐसी इनह्यूमेन ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए वर्ल्ड वॉर वन के बाद। बट स्टिल क्या हुआ, ये एक फेलियर रहा क्योंकि हमने क्या देखी है, वर्ल्ड वॉर टू देखी उसके बाद। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया, बट कुछ अच्छे मेजर्स के साथ। हमने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि हम ऐसी कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इंटरनेशनली बॉडी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और वो उसका जो काम होगा वो यही होगा कि हमारी जितना भी इंटरनेशनल पीस है उसको अपहोल्ड कर सके। तो हमने उसके लिए क्या बनाया बेटा, यूएन बना दिया। ठीक है, अभी देखते हैं कि किसका आइडिया था, क्या कुछ था। यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945, ये डेट भी इंपॉर्टेंट होगी, डायरेक्ट कभी वो डेट पूछ लेते हैं। 1945, करंटली इट मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट। ठीक है, तो अब कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं दुनिया की सभी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, तो याद में ऐसा नहीं है, अभी 193 मेंबर्स है। इट्स मिशन एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पज ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन इट्स फाउंडिंग चार्टर। अब बेसिकली यूएन जब बना उससे पहले कुछ कंट्रीज मिली, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट फ्रेम किया। ठीक है, कि हाँ इस बेसिस पे हम बनाएंगे, तो वो जो बेसिस है, वो जो डॉक्यूमेंट है वही बेसिस है यूएन का। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, यूएन चार्टर। ठीक है, इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिक्योरिटी रखना, इंटरनेशनल पीस करना, ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड करना और ह्यूमैनिटेरियन एड देना, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं फोर्सेस चाहिए वो प्रोवाइड कराना, जब कोई डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हेल्प करना। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ऐसी डेवलपमेंट जब हम नेक्स्ट जनरेशन का भी ध्यान रखते हैं, ऐसी डेवलपमेंट जो हम नेक्स्ट जनरेशन की नीड्स को ध्यान रखते हैं, कि अगर हमें आज कुछ डेवलपमेंट करनी है बट हमें क्या ध्यान रखना है कि यह जो हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसको भी इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो उस रिसोर्सेज जो उनकी ज़रूरत है उसको ना यूटिलाइज करके प्रिजर्व करके डेवलपमेंट करना, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ठीक है, द नेम यूनाइटेड नेशंस कॉइन बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कॉइन द नेम यूनाइटेड नेशंस, इट्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। डॉक्यूमेंट कॉल द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस वाज साइंड इन 1942 बाय 26 नेशन। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था 1942 में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 कॉन्फ्रेंस held in San Francisco was attended by the representative of 50 countries and signed the United Nations Charter. इसी जो document यहाँ पे बना उसको UN Charter का form दिया, जब उसको 50 countries ने sign किया था, कब, 1945 में। अब वो पूछेंगे कहाँ पर, याद ना, San Francisco USA में। ठीक है, यहाँ से क्या नाम याद है, एक तो president ने किसने नाम दिया, कब form हुई, date क्या थी और कहाँ पे इसका charter sign हुआ था, San Francisco में। ठीक है, अब ये बेटा इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, जितनी भी हमारी यूएन की एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो सब इसी का ही पार्ट है, इन एजेंसीज का। तो डायरेक्ट कभी पूछते हैं कि यूएन की कौन कौन से मेन पार्ट हैं, तो ये मेन पार्ट है बेटा, इसको याद रखना। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट इनके बारे में नॉलेज दूंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरी, ठीक है बेटा, ये वही लिख रखा है बेटा। यहाँ पे जो ट्रस्टी शिप काउंसिल है ना, ये पार्ट नहीं रहा, नो पार्ट, अब ये पार्ट नहीं रहा, ये खत्म हो चुका है। पहले जब ओरिजिन हुआ था 6 थे, अब कितने रह गए, 5 रह गए। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो मोर पार्ट। यूएन चार्टर 1940 इज द फाउंडेशन ट्रीटी फॉर द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूएन चार्टर ही इसका जो है फाउंडेशन ट्रीटी है। वो कब साइन हुआ था बेटा, यूएन चार्टर हमारा कब, देखते हैं कब साइन हुआ, 1945 में साइन हुआ, 50 कंट्रीज इसको साइन करती है, सैन फ्रांसिस्को में। जनरल असेंबली, इसका जो पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली,
जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन का जितनी भी हमारी पॉलिसी मेकिंग होगी, डिबेट्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होगा यूएन का, वो जनरल असेंबली है। ऑल 193 मेंबर ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली, मेकिंग इट ओनली द यूनिक बॉडी इन द ओनली द यूएन बॉडी इन द यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है कि ये ऐसी अकेली बॉडी है कि जिसमें जितने भी यूएन के मेंबर हैं सबके सब रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन टू ऑल यूएन है इसमें, रिप्रेजेंटेशन टू ऑल मेंबर्स। ऐसा हर जगह नहीं है, हम आगे नोटिस करेंगे इसकी जो बाकी ऑर्गन है उसमें हर किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, बट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ये वही मेन बॉडी है जहाँ पे बैठ के डिबेट्स करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ये सब काम करते हैं। ईच ईयर इन सेप्टेम्बर द फुल यू एन मेंबरशिप मीट्स इन द जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क फॉर एनुअल जनरल असेंबली सेशन विद जनरल डिबेट विच मैनी हेड्स ऑफ स्टेट अटेंड द क्लास एड्रेस। आपने देखा होगा कई बार आपने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री के उन्होंने यू एन में स्पीच दी, या किसी और कंट्री के पी एम आई उन्होंने यू एन में स्पीच दी, वो स्पीचेज जो मोस्टली होती हैं वो यू एन जनरल असेंबली में ही की दी जाती हैं। यह यू एन असेंबली हर साल सेप्टेम्बर में मिलती है, ठीक है, अराउंड थर्ड वीक और फर्स्ट सेकंड वीक के आसपास ये मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कहाँ मिलती है बेटा, न्यूयॉर्क में मिलती है, ठीक है। कब मिलती है, सितंबर में मिलती है, हर साल मिलती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व ए वन ईयर टर्म ऑफिस। जो प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का वो क्या होता है, ईच ईयर इलेक्ट होता है, याद ना, इलेक्टेड होता है, ईच ईयर इलेक्ट होगा। कौन इलेक्ट करेगा, यही जो हमारे असेंबली के मेंबर्स है, ठीक है। और इसका टर्म कितना, वन ईयर का। सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड इंपॉर्टेंट बॉडी। इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर यूएन चार्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये इसका प्राइमरी फोकस क्या है बेटा, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। डायरेक्ट पूछेंगे कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने का किसका मेन जिम्मेवारी है, तो किसकी मेन जिम्मेवारी है, सिक्योरिटी काउंसिल की। देखो सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड ऑफ 15 मेंबर्स। जनरल असेंबली कितने मेंबर्स है, 193, सबकी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। यहाँ कितने हो गए, ओनली 15। 15 में से 10 हैं हमारे नॉन परमानेंट और 5 हैं परमानेंट। ये जो नॉन परमानेंट है ये टेन्योर रहता है 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स के बाद ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे नॉन परमानेंट में, जो हमारे सॉरी परमानेंट मेंबर्स हैं, ये बेटा फिक्स हैं, काफ़ी टाइम से फिक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या क्या है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं वो हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली में, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखना कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना बेटा, इनके पास बहुत पावर है, इनके सबसे ज़्यादा पावर रहती है पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देखें। क्यों, क्योंकि इनके पास एक अलग सी पावर दी गई है, वीटो पावर। आपके यूएन में कोई भी रेजोल्यूशन पास हो गया, जहाँ सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई डिसीजन ले लिया, सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए कोई डिसीजन लिया, अगर इन परमानेंट मेंबर से एक भी कंट्री कहे कि मैं इस डिसीजन को नहीं मानता, तो वो अपना वीटो पावर यूज कर सकता है, वो उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकता है। याद ना, वीटो पावर बेसिकली क्या है, मना करने की पावर, रिजेक्ट करने की पावर, ठीक है। वीटो पावर रेफर टू द पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर टू वीटो रिजेक्ट एनी अन रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सिक्योरिटी काउंसिल का, यहाँ कैसे रेजोल्यूशन पास किए जा सकते हैं, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल है, एक कंट्री है, उस कंट्री ने किसी और कंट्री पर अटैक किया है, तो यूएन की फोर्सेस भेजो उस पर। कोई अगर हमारे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन नहीं मान रहा है, तो यूएन सिक्योरिटी उस पर क्या ले सकती है, सेंक्शन लगा सकती है, एक्शन ले सकती है। तो ये कौन करता है बेटा, ये सिक्योरिटी काउंसिल करती है। कई बार हमने नोटिस किया कि ऑपोजिशन जो कंट्रीज जो हमारी कंट्री को सपोर्ट नहीं करती थी, वो क्या करती है, यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन लाती हैं। अभी आपने देखा होगा चाइना एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा था, पीछे किसके लिए, किस बेसिस पे, कश्मीर बेसिस पे, बट बाकी कंट्रीज ने उस पर क्या लगा दिया, वीटो लगा दिया कि वो रेजोल्यूशन पास ना हो, ठीक है। अनकंडीशनल वीटो पोजेस बाय द 5 गवर्नमेंट हैज बीन मोस्ट अनडेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ यूएन। वो कह रहा है कि यूएन बेसिकली बना किसके लिए था, कि हार्मनी रहे, डेमोक्रेसी रहे, ह्यूमन राइट्स रहे, कहता था, पर ये खुद ही सबसे बड़ा अनडेमोक्रेटिक है कि 5 लोगों को ही इसने स्पेसिफिकली इतनी पावर दे रखी है, ठीक है। आपको पता है बेटा, इंडिया भी ट्राई कर रहा है इसके अंदर जाने की, जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके अंदर जाने की इंडिया भी ट्राई कर रहा है। इंडिया क्या कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब क्या लाना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। बहुत टाइम हो गया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म नहीं हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। इंडिया कहता है रिफॉर्म्स आने चाहिए और मुझे अंदर सीट मिलनी चाहिए, और वो भी किसमें, परमानेंट में। नॉन परमानेंट इंडिया को मिलती रहती है, शायद अभी भी आप बताओ कि इंडिया की नॉन परमानेंट सीट है कि नहीं है,
अगर किसी को पता है तो बताना। इंडिया क्या चाहती है, हमें परमानेंट सीट दो। जो बाकी 5 नेशन है ना बेटा, जिनके पास परमानेंट सीट है और वीटो के साथ, वो लोग कभी अपनी पावर शेयर करना नहीं चाहते। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया वीटो, इंडिया आ जाए, इंडिया परमानेंट सीट भी ले ले, बट इंडिया को वीटो ना मिले। उनको पता है वीटो बड़ी स्ट्रांग पावर है, तो वो किसी और को देना नहीं चाहते हैं। मेन इशू ये पड़ रहा है, वो लोग शायद मान भी जाए कल को इंडिया को परमानेंट सीट देने की, बट इशू क्या है, वीटो। हमें इन सभी कंट्रीज़ की क्या चाहिए, रजामंदी चाहिए, अगर हमें अंदर घुसना है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी चाहे हमें कोई मना करे, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये कंट्रीज हमें मना कर देंगी वीटो लेके, तो वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें यूएन में एक रिफॉर्म चाहिए, जिसमें इन कंट्रीज़ को उस समय पावर नहीं दी जाए कि वो किसी और कंट्री को यूएनएससी में अलाउ करेंगे एंटर करना कि नहीं, ठीक है। तो इंडिया इसमें बहुत बड़ा स्ट्रांग कंटेंडर है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को और इतनी अच्छी डेवलपिंग कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कोई और बता सकता है कि और कौन कौन से नेशंस हैं जो इंडिया के साथ वहाँ जाना चाहते हैं, प्लीज़ इसके बारे में देखना। इकोसॉक, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इकोसॉक इट्स अ प्रिंसिपल बॉडी ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलिसी रिव्यू एंड पब्लिक पॉलिसी डायलॉग रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल इशू। जितने भी हमारे इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, इन्वायरमेंट इशूज़ हैं, उनके साथ कौन डील करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट हैज़ 54 मेंबर्स, अभी जैसे पहले कितने देखे थे हमने, 15, उससे पहले 193, अब इसके कितने आगे बेटा, 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग ईयर 3 ईयर, 3 साल के इलेक्ट किए थे जनरल असेंबली में, इंडिया भी इसका मेंबर है। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन डिबेट इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला काम कौन करता है बेटा, इकोसॉक करता है। जैसे सिक्योरिटी वाला काम कौन सा करता था, सिक्योरिटी काउंसिल करती थी। ईच ऑफ द इकोसॉक स्ट्रक्चर इज वर्क अराउंड द एनुअल थीम ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहता हर साल ये काम करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसी न किसी थीम पे। तो जितने भी हमारे यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम बेटा इकोसॉक के अंदर चलते हैं। ये इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ 14 यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, 10 फंक्शनल कमीशंस, 5 रीजनल कमीशंस, रिसीव्स रिपोर्ट फ्रॉम 9 यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम्स, इशू पॉलिसी रिकमेंडेशन टू यूएन सिस्टम टू मेंबर ऑफ स्टेट। एक बात याद रखना बेटा कि हमारा जो ये है, ये कोऑर्डिनेट करता 14 यूएन स्पेशलाइज एजेंसीज के बीच में। अब मैं देख लेता 14 यूएन स्पेशलाइज एजेंसी कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा इनके बारे में पूछ रहे होते हैं, मैक्सिमम क्या पूछते हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है। तो ये सारी इसकी बेटा 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, किसकी, यूएन के अंदर भी, इकोसॉक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किसकी है। डायरेक्टली यूएन के अंडर नहीं आती, बट यूएन के अंदर इकोसॉक आता है, उसकी एजेंसीज हैं, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, पेरिस में। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, वाशिंगटन यूएसए में। एनमोट्रीमेंट वाशिंगटन यूएसए में। ICAO मॉन्ट्रल कनाडा में। IMO हेडक्वार्टर UK लंदन में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन हेडक्वार्टर जेनेवा में। पोस्टल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर बर्न में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर जेनेवा में। विपो का हेडक्वार्टर जेनेवा में। IFAD का हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में। तो आपके हेडक्वार्टर याद रखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा आपको टाइडी प्रोसेस लग सकता है, बट कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर तो किसी का नहीं छोड़ सकते। कोई पता नहीं पेपर में आपसे किसका हेडक्वार्टर पूछें, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। बाकी हम आगे स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाएंगे, जो हम कुछ कुछ इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए आप इनका हेडक्वार्टर लर्न कर लीजिए। अब अगली कौन सी आ जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या बेटा, एक तरह का कोर्ट है, जैसे हमारे इंडिया में कोर्ट्स होते हैं, ये क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट है। ये दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज दो पार्टीज के बीच में रिजॉल्व कराता है इश्यूज का। वो दो कंट्रीज और दो पार्टीज किसके पार्टिसिपेंट होने चाहिए, यूएन चार्टर के पार्टिसिपेंट होने चाहिए और ICJ को फॉलो करते होने चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट हमने क्या देखा था, इंडिया किस रेफरेंस पे गया था, यहाँ पे कुलभूषण यादव केस पे, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया ने वो केस जीत के आया था, ठीक है। कुलभूषण यादव केस में इंडिया वहां गया था, क्योंकि दोनों ही किसकी पार्टीज, यूएन की पार्टीज है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानती है, ठीक है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान अब नहीं मानता डिसीजन को, वो कोई ना कोई बहाना देके मना कर देता, पर इंडिया को जीत मिली थी और इंडिया को काउंसिलर असेस जो मिली वो इसी डिसीजन के हिसाब से मिली थी।
कंपोज ऑफ 15 जजेस, याद ना 15 जज हैं, एक जज का टर्म 9 ईयर्स रहेगा, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली से बेसिकली इलेक्ट होकर अपॉइंट होते हैं। एवरी सिटिंग जज मस्ट बी ए फॉर्म ऑफ डिफरेंट नेशन, 15 के 15 जजेस अलग अलग नेशन के होने चाहिए। और याद ना कि 9 ईयर के बाद वो बंदा री इलेक्ट भी हो सकता है। आप बताओगे कि इंडिया का क्या कोई जज है यहाँ पे? और अगर जज है तो क्या वो फर्स्ट टर्म दे रहा है कि सेकंड टर्म दे रहा है? या फिर जो इंडिया का जज है, नाम प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, उसका इस समय सेकंड टर्म चल रहा है, ठीक है। और क्या नाम है उसको वो बताना। हियर द केस इज रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस, एथनिक क्लींजिंग एंड अदर इशू। कह रहा है कि वॉर क्राइम, कोई अग्रेसिव हो रहा है देश के, इनह्यूमन काम कर रहा है, उसके ऊपर केस देखेगा। इलीगल किसी ने किसी की बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो भी देख सकता है। एथनिक क्लींजिंग मतलब जब हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन को मारा जाता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जाता है। ये हमने कहाँ देखा था, कौन सा केस देखा था एथनिक क्लींजिंग का? अभी यूएन में हमने म्यांमार वाला, किसके रिलेटेड था? रोहिंग्या के रिलेटेड था। इंपॉर्टेंट केस था काफी। आईसीसी प्राइमरी पर्पस जो एजुकेट डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट्स, कहता है प्राइमरी पर्पस यही क्या है कि हम सॉल्व करें, रिजॉल्व करें डिस्प्यूट्स बिटवीन अमंग द स्टेट। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब ये नहीं रहा, नो मोर, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि अब ये रहा ही नहीं, ठीक है। सेक्रेट, सेक्रेट क्या हुई बेटा? सेक्रेट कंप्राइज सेक्रेटरी जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर। अब यूएन काम कर रहा है, अब ऐसा तो मैंने आपको बताया यूएन जनरल असेंबली मिलती है सितंबर में, बट ऐसा थोड़ी है कि सितंबर में पहली बार मिलते हैं। यूएन बैक एंड पीछे काम कर ही रहा है, आपको पता है यूएन का भी कुछ आता है कि यूएन ने ये किया, यूएन ने वो किया। तो मतलब कुछ ऐसे इंप्लॉयज हैं जो यूएन में परमानेंटली बैठ के काम करते हैं, उन उन सब इम्प्लॉयज को क्या कहते हैं हम? सेक्रेटरेट, जो यूएन में कामकाज देख रहे हैं, डेली वर्क देख रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। और काफी ज्यादा लोग होते हैं, थाउजेंड्स लोग होते हैं जो उसके स्टाफ मेंबर्स होते हैं। कैरी आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन एज मैंडेटेड बाय जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशन अदर पीपल। अब क्या होगा, जनरल असेंबली ने बोल दिया कि हमें ये काम करना है, ये टास्क करना है, इस पर बात करनी है, इस पर ऐसे ऐसे प्रोसेस आगे फॉलो करना है। अब जनरल असेंबली तो इस सितंबर में मिलेगी, फिर वापस आ जाएगी, तो पीछे एक टास्क कौन करेगा, परफॉर्म कौन करेगा? सेक्रेटरेट करेगा। अब यूएन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें ये करना है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ी वहां बैठ रहेगी सर, इनके प्रेसिडेंट, तो ये क्या होगा, सेक्रेटरेट ही पीछे से काम करेगी उसके ऊपर, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन अपॉइंट करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट करती है कितने टाइम के लिए? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। उसको रिन्यू भी किया जा सकता है। यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली एंड लोकली एंड वर्क इन द ड्यूटी स्टेशंस टू ऑपरेट पीस कीपिंग मिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा है कि इसके मेंबर्स लोकल भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, और उनका काम क्या है, बेसिकली पीस कीपिंग मिशन चलाते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप आपको यूएन के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा, स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा होगा, पता लगा होगा कि डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या काम है, ठीक है, कहाँ फोकस है। बेटा मैं स्लाइड आपको बताना भूल गया, रीजनल कमीशन क्या है बेटा? ये इकोसॉक की ही पार्ट इकोसॉक की और वो है पार्ट्स हैं। ये बेसिकली रीजनल फोकस करती है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट फोकस करेगी। इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, ठीक है। ये एक बेसिकली तरह की पर्टिकुलर वर्ल्ड में एक रीजन का रीजन टाइप पे फोकस करेंगी, ठीक है। इकोसॉक ने कुछ रेजोल्यूशन लाया इंडिया के लिए, तो वो कौन देखेगी? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका, ठीक है। तो याद ना कि जैसे इंडियन कोई इकोसॉक ने रेजोल्यूशन लाया ना अफ्रीका के लिए, उसको कौन देखेगा? हमारा ECA, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोसॉक का पार्ट है, ठीक है। आई होप बेटा आपको क्लियर आया होगा। आपको ये स्लाइड दिल से याद करनी है, क्योंकि एक बार आपने याद कर ली तो आपको काफ़ी पेपर्स में उसके हेडक्वार्टर जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा और आपको चीज़ें क्रैम करने में थोड़ी आसानी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आपको जितना बेनिफिट मिल सके हमारे डेली नॉलेज बूस्टर से उतना मिले और आपके पेपर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।